तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो बेसिकली फिंच बर्ड के ऊपर होने वाला है। आज जो है हम अपने पास जो हमारे पास दो पेयर फिंच है उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो एक पेयर मेरे पास एडल्ट गोल्डन का पेयर है और एक पेयर नॉर्मल फिंच रखा हुआ है। तो दोनों के ही जो है ब्रीडिंग अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ और साथ ही साथ बताने वाला हूँ कुछ चीज़ें अवेलेबल है, अगर वो किसी भाई को चाहिए हो तो वो मिल भी सकती है। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हो, ये मेरा एक गोल्डन का पेयर बैठा हुआ है जिसमें कि लेफ़्ट साइड मेल बैठा हुआ है, राइट साइड फीमेल बैठी हुई है और बीचों बीच दोनों बच्चे बैठे हुए हैं। तो यही पेयर के ये दोनों बच्चे भी हैं और ये पेयर दोबारा लेइंग पे आ गया था। मैं अपने सेकंड वाले सेटअप से इसको उठा के लेके आ गया हूँ और कल ही लेकर आया और आज इसने दोबारा जो है अंडे ले भी कर दिए। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने जो है, मैं मटकियाँ बॉक्सेस देना इसे भूल गया था और मैं देना भी नहीं चाह रहा था क्योंकि मैं इसको निकालना चाह रहा था और इसने जो है अंडे ले भी कर दिए। देखिए फर्श पर अंडे पड़े भी हुए हैं। तो अभी से अंडे को उठाएंगे और चेक करेंगे कि अंडा सही है या अंडा फूट गया है। और अगर अंडा सही रहेगा तो कॉमन वाली फिंच ने भी हमारी ब्रीड कर दी है, उसकी भी ब्रीडिंग अपडेट आपको मैं दिखाता हूँ। तो जैसा भी रहता है, अगर अंडा सही रहा तो उसके नीचे रखेंगे, अगर बेकार रहा तो अंडा उठा के फेंक दिया जाएगा। तो चलिए अंडे को निकालते हैं, पहले अंडे को चेक करते हैं, उसके बाद जो है आगे बताते हैं। बाकी आप बच्चों के क्लोज़ लुक और पेयर का क्लोज़ लुक देख सकते हो, बिल्कुल हेल्दी पेयर है, एक्टिव पेयर है, कोई तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है पेयर में। बाकी अभी मैं अंडा निकाल लिया हूँ और अंडे को चेक करते हैं और अंडा सही रहता है तो फिंच के नीचे भी रख देते हैं। और अब कॉमन फिंच की मैं बात करूँ तो मैंने ये वाला केज मेरे पास रखा हुआ था काफ़ी टाइम से, जिसका लगभग हाइट 1.5 फीट था, 1 फीट वेट था और 1 फीट ही इसकी डेप्थ थी। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था इसमें क्या रखूँ क्या ना रखूँ, जावा बजीज वगैरह तो नहीं सही लग रहा था मुझे। तो मैंने सोचा क्यों ना छोटी बर्ड ही रखी जाए ताकि इसमें ठीक रहेगी, सेफ रहेगी और उसके हिसाब से जगह भी ठीक रहे। मैंने फिंच का डिसाइड किया था अभी दो हफ्ते पहले ही ऑलमोस्ट मैं गया हुआ था मार्केट, तो वहाँ से मैंने ये इतने पेयर तो दोनों ही परचेस किया था, बट एक मेल अभी मेरे यहाँ सडनली तो 3 दिन पहले एक्सपायर हो गया, बाकी 2 फीमेल बची हैं और 1 मेल बचा है। तो अभी मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए इसका गत्ते का जो है इसका ब्रीडिंग बॉक्स बना के भी जो है मैंने लगाया, क्योंकि 2 पेयर था तो मुझे लगा 2 बॉक्स इनको मटकी दे दी जाए, नहीं तो ये परेशान भी होंगे। तो वही चीज़ किया और देखिए जो है एक पेयर ने तो सक्सेसफुली ब्रीड कर दी, उसकी पहली लेइंग आ गई है और दूसरे ने देख के तो लग रहा है कि नेस्टिंग वगैरह हो रही है। बहरहाल देखते हैं क्या इनकी अपडेट होगी, जैसा ही कोई अपडेट रहेगा मैं आपको वीडियो के थ्रू ज़रूर बताऊँगा। और साथ ही जो है आप चैनल को भी सब्सक्राइब करना इसकी आगे की अपडेट के लिए। और बाकी ये गली गोल्डन वाले जो एग थे वो बिल्कुल ठीक थे, मैंने डिसाइड किया किसी के नीचे रख देते हैं, बाकी देखते हैं कि इसमें से बच्चा बनता है कि नहीं बनता और बच्चे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो जो भी अपडेट रहेगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपके साथ मैं वीडियो बना के शेयर करूँगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक।